अगर साल 2023 की बात करें तो 2023 में साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, और ऑन पैसिव जो फ्यूचर है इंटरनेट का, ऑन पैसिव फ्यूचर है एआई टेक्नोलॉजी का। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसका फ्यूचर इतना तगड़ा है कि अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर हम जाते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे टॉप पर आएगा। आज से 4-5 साल 8 साल पुराना वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे तो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतने लोग नहीं जानते थे, जानते भी थे तो उसके बारे में ज्यादा सीरियस नहीं थे। देखिए साइंस के ऊपर बहुत सारी, साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी है, फ्यूचर के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी है कि भाई फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन वाकई में अगर आप देखेंगे तो अभी अभी के डेट में अगर हम ये कहें कि ये पॉसिबल नहीं है मतलब, तो ये बहुत ही गलत तरीका होगा किसी को बताने का कि यार ये पॉसिबल नहीं है। आज के इस दौर में जो है, इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर आपकी बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो सब कुछ पॉसिबल है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं हो सकता है। देखिए बहुत सारी चीजों पे ऑलरेडी काम चल रहा है, मतलब इतनी सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें, और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें ऐसे काम चल रहे हैं जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर कितना ताकतवर है। और अभी आपसे आज जैसे कुछ आप देखेंगे, कोई पुराने शेयर होते थे जो 7-8-6 साल पहले शेयर होते थे, लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें शेयर में पैसा नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था एक्चुअल में इसका फ्यूचर क्या है, टेक्नोलॉजी का क्या है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि शेयर मार्केट जो आने वाले टाइम में भी जो शेयर मार्केट आएंगे उसमें सबसे ज्यादा जो शेयर होगा, सबसे ज्यादा होगा वो टेक्नोलॉजी के ऊपर, और वो होगा ज्यादातर जो है साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये फ्यूचर है, ये अभी की टेक्नोलॉजी से ज्यादा एडवांस्ड है, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना जोरदार काम चल रहा है। और अभी के दौर में अगर आप किसी को बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है तो बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये शायद अच्छा नहीं है, इससे जो है बहुत सारे जो बोल सकते हैं कि जॉब चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी टाइम के साथ साथ चेंज होना बहुत जरूरी है, अगर टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद और क्या आएगा, ये तो अभी बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे है, देखिए ऑन पैसिव क्यों है, मिस्टर एश क्यों जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इतना फोकस्ड है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये फ्यूचर है। आप देखेंगे कि जो पुराने ढर्रे से चले आ रहे थे, जितने भी आप देखेंगे ऐप वगैरह है या कुछ वेबसाइट है जो पुराने तरीके से चल रही, तो सब जो है कोई मेटावर्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डायरेक्टली वो काम करने लगे। उसका रीजन क्या है कि उन्हें पता है कि उन्होंने समय के साथ साथ अगर आपको अपग्रेड नहीं किया, वक्त के साथ अगर उसको अपग्रेड नहीं किया तो वो लोग पीछे छूट जाएंगे। लेकिन हम जो अनपैसिव में काम करने जा रहे हैं वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को लेकर के काम कर रहे हैं। सीधा सा एक एग्जांपल लेते हैं ओ कनेक्ट का। ओ कनेक्ट अकेला सिंगल ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद है, हम लोग उसके लिए सुपर एक्साइटेड है। आप देखेंगे कि हमारे पास जो फीचर्स है, हमारे पास जो वीडियो क्वालिटी है, हमारे पास जो टेक्स्ट के थ्रू जो हम वॉइस के थ्रू टेक्स्ट कर सकते हैं, ये अमेजिंग चीज है ओमेल में। और हमारे कई ऐसे प्रोडक्ट है जो कि टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। तो यहां पर सब रोबोटिक युग में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कोई कंपनियां कर रही है तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम आने वाला है फ्यूचर में और फिलहाल में भी है, क्योंकि हम ऑन पैसिव में है इसलिए हम ये बात बोल सकते हैं कि भाई अभी ऑन पैसिव में बहुत सारा और काम है, और ये टेक्नोलॉजी जो आएगी फ्यूचर की जबरदस्त आएगी। ऑन पैसिव को बोला जा रहा है कि ये इंटरनेट का फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर है। आप यहां पे जैसे फिर से हम एक बात करते हैं ओ कनेक्ट के ऊपर कि हमारे पास यहां पर जो टेक्नोलॉजी आएगी वो अभी तक किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स में नहीं आई है। इन एक एक टूल्स को बनने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन हमारी टीम ने, हमारे ऑन पैसिव के जो टेक्निकल टीम है वो ऑलरेडी यहां पे बहुत एक्सपर्ट लोग मौजूद है और 24 घंटे काम यहां पर हो रहा है पिछले 4 सालों से। तो आप सोचिए कि हमारे पास यहां पर एक प्रोडक्ट नहीं है बल्कि यहां पर हमारे साथ बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट है, क्योंकि हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। हमारे पास ये जो टेक्नोलॉजी है, ऑन पैसिव की जो टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर के साथ में चलने वाली नहीं बल्कि फ्यूचर को और आगे 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 का सोचने वाली कंपनी है। सोचिए कि अगर ऑन पैसिव के जैसे कोई प्रोडक्ट लाना चाहेगा तो आप जैसे प्रोडक्ट, किसी भी चीज का जैसे प्रोडक्ट लाना पॉसिबल नहीं है, जिसका जो टेक्नोलॉजी रहती है उसी की रहती है, उसके जैसा जरूर कोई लाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो जब तक ऑन पैसिव जैसा कोई प्रोडक्ट लाने की कोशिश करेगा
जब तक हमारा जो टेक्नोलॉजी है ऑन पैसिव का वो और आगे बढ़ जाएगा, मतलब हम एक स्टेप आगे चलने वाले हैं, हमारा एक स्टेप आगे ही होगा, एक नहीं बल्कि 10 स्टेप आगे हम चलने वाले हैं। अगर मान के चलिए 2025-2030 तक जो है कुछ और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन हम जो है तब तक और आगे बढ़ चुके होंगे। मतलब कोई हमें अगर हमारे जैसा भी बनने की कोशिश करेगा, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट जैसा भी कोई बनने की कोशिश करेगा, तो जब तक वो यहां पर पहुंचेगा तब तक हम जो है और आगे निकल जाएंगे। तो ये पावर है दोस्तों ऑन पैसिव का, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आप दुनिया की हर जगह पर देख सकते हैं, फिल्मों में तो जम के इसका यूज होता है टेक्नोलॉजी का। आपने देखा होगा कि ये आपकी जो फिल्म आई थी अवतार, जो अभी लेटेस्ट वाली आई थी, कमाल की हुई, बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस उन्होंने कर लिया है। इसमें सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टेक्नोलॉजी का, गजब का इस्तेमाल किया है। मतलब अभी आप देखेंगे जो उसकी नेक्स्ट मूवी पे भी काम शुरू हो चुका है, इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो सब चीजें आगे बढ़ते जा रही है। क्यों? इसको पसंद भी किया जा रहा है, इसको पसंद भी किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को पसंद किया जा रहा है। तो सोचिए हमारे पास जब ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो हम लोग जो है उन लोगों से बहुत आगे होने वाले हैं फ्यूचर में, जो कि जब तक हमारे जैसा बनाने की कोशिश करेंगे तब तक हम उनसे हजार गुना आगे निकल जाएंगे। तो मिस्टर ऐश को आपने कई वेबिनार में सुना होगा कि ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है आप नहीं बल्कि आपके आने वाली जनरेशन को भी सिक्योर करने वाली है। मतलब अगर आप ऑन पैसिव में एज ए प्राउड फाउंडर है, आपके पास अगर पेशेंस है और वो डेफिनेटली हम रखे हुए हैं, अगर आपने उस पेशेंस को बनाए रखा, तो दोस्तों ये तो तय है कि हमारा जो यहां पर होने वाला है धमाका ऑन पैसे में टेक्नोलॉजी को लेकर के, पूरी दुनिया जब इसे देखेगी, और ऑलरेडी वो देख रही है कहीं ना कहीं, अभी तो जस्ट छोटा सा बच्चा है ऑन पैसे, सोचिए जब पूरी दुनिया में पूरी तरह से छा जाएगा तो हमारी ये टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया में छा जाने वाली है गाइस। तो एंजॉय द प्रोसेस, और ये कमाल की टेक्नोलॉजी है, आपको प्राउड होना चाहिए कि उस टेक्नोलॉजी में आप एक हिस्सेदार हैं और उस टेक्नोलॉजी को आप समझ पा रहे हैं। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं भाई, तो अपने दिमाग की बत्तियां खोलो, क्योंकि ये ऑन पैसिव है, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो सोचिए हमारा जो फ्यूचर है वो कितना तगड़ा होने वाला है, और प्रेजेंट में हम उस चीज को देख पा रहे हैं, तो फ्यूचर तो हमारा और जबरदस्त और ब्राइट होगा गाइस।